लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बिग बॉस फेम हरियाणवी डांसर सपना चौधरी का 28 अक्टूबर को जौनपुर के जफराबाद में शो होना था, लेकिन उससे पहले ही उनके कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया गया। सपना चौधरी के डांस शो को लेकर प्रशासन ने पहले परमिशन दी थी, मगर बीते दिनों फिर यह परमिशन एसडीएम सदर ने निरस्त कर दिया। शो के आयोजकों की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि भारी मात्रा में टिकट बेचे जा चुके हैं। वो अभी भी शो होने की उम्मीद में हैं और टिकट बेच रहे हैं। सम्राट एंड शिवा फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित सपना डांस शो के कार्यक्रम की परमिशन एसडीएम सदर ने निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा है कि 28 को पीसीएस की परीक्षा और चेहलुम के त्योहार की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है। यह दूसरा अवसर है जब सपना चौधरी का कार्यक्रम जौनपुर में निरस्त हो सकता है। सपना चौधरी का कार्यक्रम जफराबाद क्षेत्र में 28 अक्टूबर को शाम 5 बजे से 10 बजे रात तक निर्धारित किया गया है। आयोजकों ने इसके लिए 200, 300, 500 और 1000 का टिकट बेच रहे हैं। मतापुर और टीवी हॉस्पिटल रोड पर टिकट बेचे जा रहे हैं। बीते दिनों अश्लीलता के खिलाफ जागरूकता संगोष्ठी में सपना चौधरी के डांस शो के बारे में वक्ताओं ने चर्चा किया। पूर्व गृह राज्य मंत्री महाराष्ट्र कृपा शंकर सिंह ने अश्लीलता पर सवाल उठाया और कहा कि जौनपुर में ऐसे आयोजन नहीं होने चाहिए। उसी दिन देर शाम एसडीएम सदर ने परमिशन कैंसिल कर दिया। इसके पीछे उन्होंने कारण पीसीएस की परीक्षा और त्योहार बताया, जबकि परमिशन के दौरान उन्होंने इस विषय पर गौर क्यों नहीं किया। माना जा रहा है कि विरोध के बाद सपना डांस शो का परमिशन निरस्त कर दिया गया है। सैकड़ों लोगों ने टिकट खरीद लिए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या परमिशन निरस्त होने के बाद सपना डांस शो हो पाएगा या नहीं। वैसे आयोजक डांस शो कराने के प्रयास में जुटे हुए हैं।